बीबीएल का अगला मुकाबला जो कि होने वाला है एडिलेड वर्सेस पर्थ के बीच में, जो 27वां मैच है। अब यहां पर जो इससे पहले के 26 मैच हुए हैं उन मैचेस का अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो यहां पर आपने मेरी टीम को नोटिस किया होगा, मैंने जो आपको टीम दी है उस टीम ने बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको कमा के दिया और जो ग्रैंड लीग के अंदर रैंक है वो काफी अच्छी आई है। तो इस हिसाब से हमें इस विनिंग को कंटिन्यू रखना है। तो यहां पर मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियो में बोला था कि जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग की वीडियो वो बंद हो रही है उसकी जगह पर फेस वीडियो चालू होगी, इसी के साथ में इन वीडियोस के अंदर गिव अवे भी होगा। तो यहां पर अब काफी बड़ा गिव अवे होगा जो कि 10,000 यानी कि 10,000 रुपए का गिव अवे है, जिसके बारे में मैं वीडियो में आगे बात करूंगा, लेकिन आपको उसके लिए वीडियो पूरी एंड तक भी देखनी है। और साथ में अभी तक आपने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अब यहाँ पर अगर दोनों टीमों की बात करें तो दोनों ही टीमों का आप नोटिस करना, जो आमने सामने मैच खेले गए हैं वो 23 मैच खेले गए हैं, जिसमें से 13 मैच जो है वो एडिलेड ने विन किए हैं और साथ में पर्थ ने यहाँ पर 10 मैच विन किए हैं। लेकिन यहाँ पर जो सबसे जो आपको मेन चीज है जो नोटिस करनी वो ये है कि पर्थ का अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर आप देखो लास्ट के पांचों मैच इस टीम ने यहाँ पर विन किए, यानी कि काफी स्ट्रॉन्ग टीम है जो कि काफी अच्छा है, यहाँ पर लगातार विनिंग कर रही है और जो हमारे टीम के अंदर जो ज्यादा प्लेयर होंगे वो यहीं से होंगे। लेकिन इसके साथ में एडिलेड का देखे तो एडिलेड लगातार यहाँ पर लॉस कर रही है। इसके लास्ट के 5 मैच देखो, यहाँ पर आपको 4 मैच के अंदर लॉस दिखा रहा है और सिर्फ 1 मैच की यहाँ पर विनिंग दिखा रहा है। तो इस हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हो कि किस टीम से आप कितने प्लेयर को वेटेज दे रहे हो। और यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है वो 8-3 का रहेगा। 8-3 का क्यों रहेगा? क्योंकि ज़्यादातर प्लेयर हम पर्थ की टीम से सेलेक्ट करने वाले हैं तो यहाँ पर हमारे फिक्स प्लेयर होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन ट्रम्प प्लेयर है वो वहीं पर कम होते जाएंगे। तो यहाँ पर 8-3 का सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन आपके लिए बनेगा जो कि आपको सेलेक्ट करना है। 8 यहाँ पर फिक्स प्लेयर हो जाएंगे और 3 यहाँ पर ट्रम्प प्लेयर हो जाएंगे। अब यहाँ पर बात करें दोनों ही टीमों की जो प्लेइंग 11 है वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं एडिलेड टीम की यहाँ पर प्लेइंग 11 की, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। हर प्लेयर को एकदम डिटेल्स में समझेंगे कि किस प्लेयर पे हम कितना यहाँ पर वेटेज देने वाले हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला प्लेयर है वो है डी शॉर्ट का। यहाँ पर नोटिस करो, अगर रिसेंट फॉर्म देखोगे तो यहाँ पर आप देखना 6 रन के साथ में 0 विकेट, 25 रन, 54 रन, 3 रन, 66 रन, ठीक है। हेड टू हेड भी देखो तो 12 इनिंग के अंदर जो एवरेज है वो 38 रन का एवरेज बन रहा है। इसी के अलावा वेन्यू का जो एवरेज बन रहा है वो 53 रन का एवरेज है और यहाँ पर बीबीएल का जो एवरेज है वो 37 रन का एवरेज है। अब यहाँ पर देखो 8 इनिंग के अंदर 4 विकेट, 6 इनिंग के अंदर 1 विकेट, 47 इनिंग के अंदर 34 विकेट है, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये जो प्लेयर है इसका 50-50 रेशियो रहता है। 50-50 कैसे? कि मान लो कि अगर आप 6 टीमें बना रहे हो तो उसमें से आप 3 या फिर 2 टीमों में रख सकते हो, एक से मिनिमम 2 टीमों के अंदर रखना ही रखना, क्योंकि प्लेयर की परफॉर्मेंस भले आपको अभी अच्छी नहीं दिख रही है लेकिन ये हमारा एक तरीके से ट्रम्प प्लेयर होता है, यानी कि अगर चल गया तो बहुत अच्छा करके देगा, मतलब बहुत अच्छा हमें विनिंग कराता है। इसी के बाद में मैथ्यू शॉर्ट की यहाँ पर बात करें तो रिसेंट फॉर्म देखो 34, 56, 8, 55 रन के साथ में 2 विकेट। इसी के साथ में हेड टू हेड का देखोगे तो 22 रन का इसका एवरेज बन रहा है। वेन्यू का नोटिस करो 35 रन का एवरेज बन रहा है और साथ में बीबीएल का भी देखोगे ना तो एवरेज 25 रन का है, यानी कि ये एक ड्रीम टीम का प्लेयर है, यानी कि ये जब भी खेलेगा तो डेफिनेटली ड्रीम टीम में इसके आने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन का रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, अगर आप 5-6 या फिर 10 टीमें बना रहे हो उस केस के अंदर एक टीम के अंदर कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन आप बना सकते हो, लेकिन ये हमारा फिक्स प्लेयर होगा जो आपकी टीम के अंदर होना चाहिए क्योंकि ये ड्रीम टीम का प्लेयर है, ठीक है। तो ये चीज यहां पर बस आप ध्यान रखना और आप समझ गए ना कि अगर आप ज्यादा टीमें बना रहे हो तो उस केस के अंदर डी शॉर्ट को वेटेज दे सकते हो, नहीं तो आप यहां पर मैथ्यू शॉर्ट को तो ऐसे फिक्स प्लेयर आपको रखना ही रखना है अपनी टीम के अंदर। अगले प्लेयर की यहां पर बात करें जो कि है यहाँ पर क्रिस का, यहाँ पर देखो रिसेंट फॉर्म में अगर आप नोटिस करोगे तो नोटिस करना है यहाँ पर 27 रन, 83 रन, 56 रन, 37 रन, 14 रन, 0 रन, 0 रन, 1 रन, 19 रन। हेड टू हेड भी देखोगे तो 19 इनिंग के अंदर 44 का एवरेज है। वेन्यू का देखो 17 इनिंग के अंदर 33 रन का एवरेज है और बीबीएल का एवरेज भी 35 का है, ठीक है। मतलब अगर आप यहाँ पर एवरेज देखोगे तो काफ़ी अच्छा है और ये कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए एक बहुत ज़्यादा रिस्की ऑप्शन है। रिस्की क्यों है? अगर आप रिसेंट फॉर्म देखो कम दिखेगा लेकिन यहाँ पर एक मैच के अंदर 83 का भी इसका आपको एवरेज स्कोर रिसेंट फॉर्म 83 रन का भी दिख रहा है। इस हिसाब से अगर ये प्लेयर के ऊपर आप रिस्क लोगे तो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा। और मैं अगर पर्सनली यहाँ पर आपको रिकमेंड करूँ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 7वीं और 8वीं टीम अगर बनाओ तो उस टीम के अंदर इसको एज ए एक टीम के अंदर वाइस कैप्टन बना देना। बाकी देखो यार, मेरे हिसाब से जो ट्रिब्यून ऐप भी है उसके अंदर मैंने चेक किया था 59 रुपीज़ के आसपास की ग्रैंड लीग हो गई, ग्रैंड लीग का जो अमाउंट है वो 10 रुपये के हिसाब से बढ़ गया है। तो इस हिसाब से अगर आप मिनी ग्रैंड लीग खेलोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट करेगा और मेरे हिसाब से आप इतनी ज़्यादा टीमें बना भी नहीं पाओगे, 1 से 2 टीमें बनाओगे और मैं भी आपको एक टीम ही देने वाला हूँ यहाँ पर इस मैच की। तो उस केस के अंदर मैं इस प्लेयर को सीधा स्किप ही करने वाला हूँ, ये प्लेयर मेरी टीम के अंदर नहीं होगा। अगले प्लेयर की यहाँ पर बात करें
जो कि यहाँ पर है एडम। एडम का यहाँ पर एशियन फॉर्म देखो, 13 रन 14 रन 2 रन 5 रन 25 रन 17 रन 24 रन 10 रन। और यहाँ पर हेड टू हेड भी देखोगे, हेड टू हेड है 21 का एवरेज है। वेन्यू का देखो 18 रन है एक इनिंग के अंदर। VBL का अगर आप देखोगे तो 48 का एवरेज है, तो इसके एवरेज काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। ठीक है, तो यानी कि क्या समझ में आ रहा है, ये जो प्लेयर है ये प्लेयर हमारी टीम के अंदर हो सकता है। अगर हम 2 से 3 टीमें बना रहे तो एक टीम के अंदर वेटेज दे सकते हो, बाकी मेरी सिंगल टीम के अंदर तो ये प्लेयर नहीं होगा। इस प्लेयर को हम सीधा स्किप ही करने वाले हैं इस मैच के अंदर भी। अगले प्लेयर की यहाँ पर बात करते, देखो मैं पर टीम से ज़्यादा प्लेयर को वेटेज दूंगा, मैंने आपको बता ही दिया है, लगातार वो टीम विन कर रही है। और यहाँ पर ये जो टीम है एडिलेड, इसके अंदर इतने को ज़्यादा विनिंग नहीं कर पा रहे, इसकी वजह से अगर इसका रेशन फॉर्म भी देखो तो किसी किसी प्लेयर का ज़्यादा अच्छा दिखा रहा है, मतलब सभी प्लेयर का अच्छा नहीं, क्योंकि एक दो प्लेयर ही टीम को नहीं जीता पाते हैं। ऑल ओवर सारे जब प्लेयर खेलेंगे तभी यहाँ पर टीम अच्छा खासा अच्छा खासी विनिंग कर पाएगी, मैच को जीत पाएगी। बाकी यहाँ पर कोई एक प्लेयर अच्छा करे तो उससे पूरी टीम नहीं जीत सकती है। वहीं पर अगर थॉमस की यहाँ पर मैं बात करूँ तो इसका रेशन फॉर्म भी आपको बहुत कम दिखाएगा। हेड टू हेड का एवरेज भी आप देखो 24 का दिखा रहा है। इसी के अलावा BBL और वेन्यू का देखें तो वेन्यू देखो 12 का एवरेज है, BBL का 19 का एवरेज है, तो इसका एवरेज काफ़ी कम है। प्लेयर सीधा स्किप करो, अपनी टीम के अंदर इसको शामिल नहीं करना है। अगले प्लेयर की यहाँ पर मैं बात करूँ जेमी की, तो देखो इसका भी देखो 1 रन के साथ में 2 विकेट 0 विकेट, 29 रन के साथ में 1 विकेट, 31 रन के साथ में 3 विकेट, फिर भी कंसिडर किया जा सकता है इसको, इसके रेशन फॉर्म को देख के। हेड टू हेड बहुत कम दिखाएगा, 1 इनिंग के अंदर 1 विकेट है। वेन्यू भी देखो 1 इनिंग के अंदर 1 इनिंग के अंदर 19 रन है। BBL भी देखोगे तो 4 इनिंग के अंदर जो टोटल रन है वो 80 रन है और 20 रन के आसपास का इसका एवरेज है। ठीक है, इस हिसाब से देखें तो इस प्लेयर को आप स्किप कर सकते हो। तो यहाँ पर एडिलेड से हमें कितने प्लेयर चाहिए, ओनली फॉर 3 प्लेयर चाहिए, 3 से 4 प्लेयर काफी होंगे, 4 तो फिर भी ज्यादा हो रहे हैं, बट 3 प्लेयर आप कंसिडर कर सकते हो। लेकिन हाँ, एक चीज और मैं बता रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एज इट इज़ आप कंसीडर करो। एक चीज़ और बता देता हूँ, टॉस बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करेगा। अगर एडिलेड यहाँ पर विन करता है तो उस केस के अंदर 4 से 5 प्लेयर सेलेक्ट किए जाएंगे, लेकिन पर्थ ने अगर टॉस विन की और वो अगर यहाँ पर फर्स्ट बैटिंग करता है, यहाँ पर सिंपल बताऊँ कि अगर पर्थ टीम यहाँ पर पहले बैटिंग करती है तो उस केस के अंदर उसके हम 7-8 प्लेयर लेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर एडिलेड पहले बैटिंग करता है तो उस केस के अंदर हो सकता है रन टारगेट कम हो और पर्थ टीम यहाँ पर कम रन की वजह से जीत भी जाए, तो उस केस के अंदर क्या करना है कि इस टीम से यहां पर ज्यादा प्लेयर को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये सिनेरियो भी ध्यान रखोगे तो यहां पर आपके प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो ये सिनेरियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे अगले प्लेयर की, जो कि है यहां पर जेम्स और साथ में हैरी। अब इन दोनों प्लेयर की बात करूं तो इन दोनों प्लेयर का अगर आप देखो तो जेम्स को सीधा भी स्किप कर सकते हो, क्योंकि देखो हेड टू हेड 7 का एवरेज है, वेन्यू 11 का एवरेज है और BBL 16 का एवरेज है, इतना कुछ खास परफॉर्मेंस यहाँ पर नहीं दिखा रही। रेशन फॉर्म देखो 2 रन के साथ में 0 विकेट, ऑल ओवर देखा जाए तो बहुत ही बेकार इसका रेशन फॉर्म है। लेकिन इसके साथ में हैरी का देखे तो इसका रेशन फॉर्म भी कुछ खास नहीं है, लेकिन इसका जो मेन चीज हम देख पा रहे हैं वो क्या है, एक तो हेड टू हेड है अगर 32 का एवरेज है, वेन्यू का अगर देखोगे तो 25 का एवरेज है, BBL का देखोगे तो 21 रन का एवरेज है, तो यहाँ पर हैरी ज़्यादा अच्छा चॉइस है इसकी तुलना में। तो आपको क्या करना है, कंसीडर सिंपल इस प्लेयर को अपनी टीम के अंदर रखना है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये टीम पहले बैटिंग करती है तो उस केस के अंदर इस प्लेयर को आप वेटेज दे सकते हो, पहले बैटिंग करने के केस में। ठीक है, बॉलिंग वगैरह सब तो ठीक है, लेकिन एक आइडिया दे रहा हूँ कि कब आपको अपनी टीम के अंदर रखना है और कब यहाँ पर नहीं रखना है। अगले प्लेयर की यहाँ पर बात करूंगा अपने हेनरी की और साथ में डेविड की, तो यहाँ पर आप दोनों प्लेयर को नोटिस करोगे तो यहाँ पर दोनों ही प्लेयर अच्छे ऑप्शन है। देखो जिस टीम में आप इस प्लेयर को रखोगे उस टीम में आप इसको नहीं रखोगे, और जिस टीम में आप इसको रखोगे उस टीम में आप इसको नहीं रखोगे, इन दोनों प्लेयर का सीधा सा कॉम्बिनेशन है, बस यही चीज़ ध्यान में रखनी है। और बाकी मैंने अभी बता दिया, एडिलेड टीम से ज़्यादा अच्छे ऑप्शन नहीं है हमें सेलेक्ट करने के लिए, लेकिन टॉस का रोल बहुत बड़ा प्ले करेगा, इसलिए यहाँ पर मैं आपको इस टीम के बारे में इतना बता रहा हूँ, नहीं तो यहाँ पर मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करता। ठीक है, इसी के साथ में कैमरॉन की बात करूं तो ये प्लेयर भी कुछ खास अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज़ आप नोटिस करो, BBL का अगर आप इसका रेशन फॉर्म देखोगे BBL का या फिर एवरेज भी देखो तो 90 इनिंग के अंदर 97 विकेट है, यानी कि 1 विकेट ऑन एवरेज इसने ले रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको कब लोगे, जब एडिलेड फर्स्ट यहाँ पर अगर बैटिंग करती है टीम, तो उसके इसके अंदर ये प्लेयर तो मेरी टीम के अंदर होगा और आपको भी मैं रिकमेंड करूँगा कि आपकी टीम के अंदर भी ये प्लेयर होना चाहिए। हेड टू हेड का नोटिस करो 7 विकेट है, वेन्यू का नोटिस करो 15 इनिंग के अंदर 10 विकेट है, तो काफ़ी अच्छा, और ऑन एवरेज देखो 0 विकेट या 1 विकेट, कई एक में आपको 2 विकेट दिखाएगा, बाकी 1 या फिर 0 विकेट, ऑन एवरेज 1 ही ले लेता है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रख सकते हो। आगे बात करेंगे पर टीम की, तो पर टीम का यहाँ पर आप नोटिस करो, ये जो दिखा रहा है सारे के सारे इसके प्लेइंग 11 है, आप वीडियो को पॉज करके देख भी सकते हो, अपन हर प्लेयर को डिटेल्स में समझते हैं और वहाँ पर आपको वैसे पता ही चल जाएगा कि कौन कौन से हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला प्लेयर है वो है यहाँ पर शैम।
शेन के अगर मैं बात करूं तो 31 रन और 137 रन, अगर इसका हेड टू हेड देखोगे तो 16 का है वेन्यू, 11 का एवरेज है और बीबीएल का 17 का एवरेज है, लेकिन 137 का है यहाँ पर आपको रन भी दिखा रहा है, तो उस केस के अंदर एक अच्छा चॉइस हमारे लिए बनता है कैप्टन का। ये प्लेयर काफ़ी अच्छा ऑप्शन है एज ए कैप्टन के लिए और हमारे लिए इस टीम के लिए एक फिक्स प्लेयर भी रहेगा, तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखना, ठीक है। ये हमारा फिक्स प्लेयर है कि इस प्लेयर को आपको शामिल करना है अपनी टीम के अंदर। इसके बाद जैक की मैं बात करूँ तो जैक की आपको परफॉर्मेंस बेकार दिखेगी, लेकिन जो नोटिस करने का वो ये है 48 रन, 51 रन, 65 रन, यानी कि ड्रीम टीम का प्लेयर है। हेड टू हेड देखो 32 रन है, वेन्यू अगर आप नोटिस करोगे तो 54 रन है, बीबीएल का एवरेज भी 36 रन का, वाइस कैप्टन के लिए एक अच्छी चॉइस यहाँ पर बन जाती है, तो ये भी हमारा फिक्स प्लेयर है। इन दोनों के दोनों प्लेयर को मैं अपनी टीम के अंदर शामिल रखूंगा, ठीक है। अब स्मॉल लीग खेल रहे हो या फिर ग्रैंड लीग खेल रहे हो, दोनों के अंदर ये चीज ध्यान में रख सकते हो। इसके बाद एरोन की यहां पर बात करें, एरोन एक अच्छी चॉइस है, लेकिन इस मैच के लिए मुझे लग रहा है कि ये बहुत रिस्की प्लेयर होगा, क्योंकि हर कोई इसके साथ में जाएगा, कैप्टन वाइस कैप्टन बनाएगा, पर मेरे हिसाब से इतने कुछ खास रन नहीं बनाएगा नहीं इस मैच के अंदर, तो अगर आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, या फिर अगर आप सेफ साइड जाना चाहो तो एक दो टीमों में वेटेज दे दो। बाकी मैं पर्सनली यहां पर स्किप करने वाला हूं, क्योंकि जो सिलेक्शन रेशियो पे खेलना है वो इसी प्लेयर के ऊपर हम दाव खेलना चाहेंगे इस मैच के अंदर। नेक्स्ट जो प्लेयर है वो यहाँ पर जोस है। अब यहाँ पर देखो, अगर आप इस प्लेयर को स्किप कर रहे हो तो उस केस के अंदर आप जोस को स्किप नहीं कर सकते हो। हेड टू हेड देखो 39 रन का एवरेज है यहाँ पर, बीबीएल का 30 का एवरेज है और वेन्यू का भी 50 का एवरेज है, कोई कम नहीं है, अच्छा खासा है, तो ये जो प्लेयर है वो आपकी टीम के अंदर होगा, आपको शामिल रखना ही रखना है, ठीक है। आगे बात करेंगे अगले प्लेयर की, जो कि है यहाँ पर लोरिया, ठीक है। इस प्लेयर की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो रिशन फॉर्म देखो 85 रन है, 24 रन है, 13 रन है, हेड टू हेड नोटिस करना 85 का एवरेज है, वेन्यू देखो 39 रन है, बीबीएल का एवरेज देखो तो 40 का इसका एवरेज बन रहा है। इसी के साथ में कोपर की यहाँ पर मैं बात करूं तो देखो 14 रन के साथ में 0 विकेट, 5 रन, 20 रन के साथ में 1 विकेट और हेड टू हेड भी 14 का एवरेज है। इसी के अलावा अगर बीबीएल का भी नोटिस करोगे तो 18 का एवरेज बन रहा है, तो कुछ ज़्यादा खास नहीं है, ठीक है। तो ये तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ये प्लेयर सीधा हमारा स्किप होगा, लेकिन इसको यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे एज अ कैप्टन और एज अ वाइस कैप्टन के तौर पे, ठीक है। बाकी सेफ साइड जा रहे हो तो कैप्टन के लिए बेहतरीन ये चॉइस रहेगा, तो आप कैप्टन को भी इसको बना सकते हो अपनी टीम के अंदर। और बाकी मैं अपनी टीम के अंदर भी आपको आगे दिखाने वाला हूँ कि मैंने जो टीम बनाई है वो किस हिसाब से बनाई है। अब यहाँ पर एस्टोन के यहाँ पर बात करें तो नोटिस करो, रेशन फॉर्म 0 विकेट 1 रन के साथ में 0 विकेट 1 विकेट, 48 रन के साथ में 1 विकेट। यहाँ पर हेड टू हेड भी देखो 6 इनिंग के अंदर 16 का एवरेज है, वेन्यू 3 इनिंग के अंदर 7 का एवरेज है, 55 इनिंग के अंदर 19 का एवरेज है बीबीएल के अंदर भी, तो इसको क्या करना है, सीधा स्किप करना है। मेरे हिसाब से ये कुछ ज़्यादा रन और विकेट नहीं ले पाएगा, न तो रन बना पाएगा ना विकेट ले पाएगा, इस केस के अंदर सीधा है, मैं तो इसको सीधा स्किप ही रखने वाला हूँ इस मैच के अंदर। जेनी की यहाँ पर मैं बात करूँ तो देखो 2 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 2 विकेट। अब देखो एक चीज़ और, अगर यहाँ पर एडिल पहले बैटिंग करती है तो उस केस के अंदर मैं इस प्लेयर को लूँगा अपनी टीम के अंदर, और अगर यहाँ पर पर्थ पहले बैटिंग करती है तो उस केस के अंदर मैं इस प्लेयर को नहीं लूँगा, सीधा स्किप करने वाला हूँ, ठीक है। मैं ये चीज़ आपको पहले ही बता दूँ, क्योंकि इसका हेड टू हेड का देखोगे तो 17 का एवरेज है, वेन्यू का देखो 9 का एवरेज है, बीबीएल का 93 विकेट का एवरेज है, तो काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर इसका एवरेज बन रहा है, तो चीज़ बस बहुत सिंपल है। इसी के साथ में मेन चीज़, मुझे लगा लाइट चली गई पर लाइट नहीं गई है, अपना जो गिवअवे के बारे में बात है मैं अभी वीडियो में आगे करने वाला हूँ। अब यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो जो बचे हुए 3 प्लेयर है उसके ऊपर भी बात कर ही लेते हैं। तो यहाँ पर एंड्रो की अगर मैं बात करूँ तो रिशन फॉर्म देखो 2 विकेट 2 विकेट 2 विकेट, हेड टू हेड भी देखोगे तो 18 विकेट है 14 इनिंग के अंदर, वेन्यू भी 8 इनिंग के अंदर 9 विकेट है, बीबीएल का जो है 39 इनिंग के अंदर 59 विकेट है, ठीक है, अच्छे खासे विकेट है। ये प्लेयर सीधा आपकी टीम के अंदर होगा, इस बॉलर को आप स्किप मत करना, बॉलर पे भी वेटेज हमें देने हैं, क्योंकि जो इनिशियल लेवल पे जो एंड्री टीम है उसका जो विकेट लेगा सबसे ज़्यादा विकेट यही प्लेयर ले सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, 1 से 2 विकेट इसको आराम से मिलेगा। और अगर आप वाइस कैप्टन किसी बॉलर में से बनाना चाहते हो तो यहाँ पर आप जेसन को बना सकते हो, देखो क्योंकि इसका जो विकेट कहीं दिखा रहा है 4 विकेट 3 विकेट भी है, लेकिन कब, ओनली 4 हाई रिस्क की टीम के अंदर, ठीक है। बाकी सेफ साइड अगर टीम बना रहे हो तो उसके इसके अंदर नहीं, आपके पास कम ऑप्शन होंगे, बट अगर आप ज़्यादा टीमें बनाते हो तो उसके इसके अंदर आपको ज़्यादा ऑप्शन चाहिए, तो ज़्यादा ऑप्शन चाहिए तो उसके इसके अंदर आप चाहो तो वाइस कैप्टन भी इसको बना सकते हो। देखो सिंपल है ना, 90 इनिंग के अंदर 116 विकेट दिखा रहा है तो कोई कम नहीं होते, ये बहुत ज़्यादा होते हैं।
आखिरी प्लेयर की बात करेंगे जो कि है हमारे यहाँ पर लेंसी। लेंसी की अगर देखें रिसेंट फॉर्म देखो, 5 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट, ठीक है, हेड टू हेड का दिखा रहा, 4 इनिंग के अंदर 8 विकेट, वेन्यू भी 3 विकेट 21 इनिंग के अंदर 20 विकेट। अगर 6 टीमें बना रहे हो तो 3 में रखना है और 3 में स्किप करना है, सीधा सा रूल, ज़्यादा सोचना नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और टीम को थोड़ा बेहतरीन तरीके से समझने के लिए कि हमने जो टीम के बात की है वो इस वेन्यू के ऊपर भी सेट हो रही कि नहीं हो रही, उसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले गिवे के ऊपर बात, ठीक है। देखो बहुत सिंपल है, फर्स्ट लाइक फर्स्ट कमेंट होंगे जिसके 5 विनर सेलेक्ट होंगे, और वो तो आप मिस कर चुके हो इस वीडियो के अंदर, लेकिन अगली वीडियो में आप हो सकता है फर्स्ट लाइक फर्स्ट कमेंट करके यहाँ पर आप विनर बन सकते हो। उसके लिए बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके पहला आइकन को ऑन कर दो, जैसे ही वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन वहाँ पर मिल जाएगा। इसी के अलावा यहाँ पर आपको एक अच्छा सा कमेंट करना है जो कि रैंडम कमेंट पिकर मैं वेबसाइट के थ्रू यहाँ पर मैं विनर अनाउंसमेंट करूँगा। यहाँ पर बहुत सिंपल है, आपको रैंडम कमेंट करना है, लेकिन यहाँ पर आपके कमेंट के ऊपर 0 लाइक होना चाहिए। आप चाहो किसी का कमेंट आपको पसंद आए तो आप लाइक भी कर सकते हो, जिसके यहाँ पर 0 लाइक होंगे उनको यहाँ पर मैं 10 विनर सेलेक्ट करूँगा और 200 को 1,000 रुपये दूंगा, ठीक है। तो लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर कितने विनर निकलते हैं। अब यहाँ पर अगर देखें वेन्यू स्टेट की तो ध्यान से देखो, टोटल जो मैच खेले गए हैं वो 71 है, ठीक है ना, 71 मैच यहाँ पर टोटल खेले गए, जिसमें से फर्स्ट पारी में यहाँ पर जो टीम खेली है उन्होंने यहाँ पर 41 मैच विन किए हैं, और जिन्होंने रन को चेस किया है उस टीम ने यहाँ पर 30 विन किए, और अगर टाई मैच की बात करूँ तो वो एक भी नहीं हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो एवरेज स्कोर जो इस टीम यहाँ पर इस वेन्यू पे बनते हैं वो 160 से 170 है, और ये टीम भी लगभग इतना ही बनाएगी। लेकिन उस केस के अंदर आपको बस ये ध्यान रखना है, अगर पर टीम पहले बैटिंग करती है तो जो एवरेज स्कोर है वो काफ़ी ज़्यादा बनेगा, करीब करीब 186 के आसपास का बनेगा, और एडिलेड यहाँ पर अगर पहले बैटिंग करती है तो 155 के आसपास रन स्कोर एवरेज बन सकता है। देन यहाँ पर हाई स्कोर की बात करूँ तो वो यहाँ पर बनेगा 232 बना हुआ है, 232 रन 5 विकेट के नुकसान पर। लोवे स्कोर की बात करूँ तो 87 रन 10 विकेट नुकसान पर लोवे स्कोर है। देन यहाँ पर अगर देखें स्कोरिंग पैटर्न आप देख सकते हो कि क्या चल रहा है, वो आपको जितने भी बहुत सारे मैच खेले गए हैं तो ऑन एवरेज आप आइडिया लगा सकते हो। सबसे ज़्यादा जो है 24 रन का है, जो कि 187 से 189 के बीच का है। अब यहाँ पर पिच की बात करूँ तो सीधी सी बात है, शॉर्ट बाउंड्री है, रन काफ़ी ज़्यादा बन सकते हैं, बैट्समैन को एडवांटेज होगा, तो हमारा कैप्टन वाइस कैप्टन भी होगा जो बैट्समैन में से होगा और साथ में ऑलराउंडर में से भी हो सकता है, तो ये चीज़ भी आपको कंसिडर करनी चाहिए जब आप टीम बना रहे हो। देन यहाँ पर आप कुछ पुराने मैच का डाटा देख सकते हो कि जो पुराने मैच हुए थे वो किस हिसाब से हुए थे। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट अपनी बात करते हैं टीम की, लेकिन उससे पहले स्टार्टिंग और डेथ ओवर आप देख सकते हो, देखना चाहो तो मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूँ, लेकिन देखो मैं अभी आपको टीम बताऊंगा ना तो उस टीम के अंदर ये सारी चीज़ें मैंने पहले से ही कंसिडर कर दी है। वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ, सीधे मैं अपनी टीम को दिखा रहा हूँ, आप दोनों टीमों के चाहो तो कंसिडर कर सकते हो, मैं अगली बार से थोड़ा और एक्सप्लेन कर लूँगा, बट अभी एक बार सबसे पहले टीम को देखते हैं, ठीक है। अब टीम को देखो, टीम को अगर आप नोटिस करोगे तो विकेट कीपर यहाँ पर मैंने जोश को ले रखा है, लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर मैंने जो टीम बनाई है उसको नोटिस करना है, ठीक है। तो मैंने एक विकेट कीपर ले रखा है, 3 यहाँ पर मैंने बैट्समैन ले रखे हैं, ऑलराउंडर की बात करूँ तो 4 मेरे पास ऑलराउंडर है, बॉलर की बात करूँ तो यहाँ पर 3 बॉलर ले रखे हैं, लेकिन इस टीम के अंदर मैं काफ़ी ज़्यादा चेंजेस करने वाला हूँ, इसलिए मैं अभी टीम को ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो टीम है वो टीम सीधे मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके फॉलो कर लेना, फाइनल टीम आपको वहीं मिल जाएगी, क्योंकि अभी तक लगातार आपको वहीं टीम मिल रही है। लेकिन हाँ, फिर भी आप देखना चाहो तो कैप्टन और वाइस कैप्टन को देख सकते हो, हार्डिक को मैंने यहाँ पर ऐसा वाइस कैप्टन बना रखा और एम शॉट को यहाँ पर मैंने कैप्टन भी सेलेक्ट कर रखा है, तो ये 2 मुझे सबसे बेहतरीन ऑप्शन लगे थे। बाकी आपके हिसाब से सबसे अच्छे ऑप्शन क्या होंगे आप कमेंट करके जरूर बताना।